अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अकमल सिंधी टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अकमल। तो जनाब, आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि मेरा चैनल इतना नीचे कैसे चला गया है। मतलब कि रोज़ाना कि जहाँ पे 3,000-5,000 कम से कम मिनट्स आ रहे थे, मुझे मिल रहे थे वॉच टाइम, वो इतने डाउन कैसे हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना डैशबोर्ड है इसका, वाइट स्टूडियो का, यूट्यूब स्टूडियो का, तो आपको ये विज़िट कराता हूँ टोटली। ये देख लें आप, तो ये मेरा चैनल है। इस पर पहले अब यहाँ पे शोर है आपके पास 17,100 मिनट पिछले मंथ का, तो पिछले 30 दिन का है। तो पहले यहाँ पे होता था 50,000, 58,000, 60,000 तक ये था। तो सब्सक्राइबर भी कम से कम मेरे जो थे वो रोज़ाना के बुनियाद पे 30 से 35 आ रहे थे। तो अब जो चैनल है वो इतना नीचे चला गया जिसकी मुझे खुद को समझ नहीं आ रही ऐसा हुआ क्या है। तो इसकी वजूहत जो हैं वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आप कुछ वीडियोस देख लें, भी व्यूज़ चेक कर लें। इस वीडियो तक ये जो है ना यूट्यूब बैन के बाद जो है ना वीडियो नीचे डाउन होना शुरू होगी। पहले जहाँ पे भाई इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, ये देख लें आपके सामने ये चीज़ें हैं, भाई कोई भी टेंशन नहीं थी। रोज़ाना 35-40-50 घंटे मुझे मुसलसल मिल रहे थे और मेरा चैनल भी ज़बरदस्त जा रहा था। तो अचानक से ये सारा कुछ डाउन हो गया। इसकी जो वजूहत है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी जो लोग कहते हैं जी ये है वो है, आपको भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आई थी थोड़ी देर पहले, वो प्रॉब्लम भी आपके साथ मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मेरा जनाब यूट्यूब का चैनल, ये चैनल है, ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये कम्युनिटी इसके, ये है अबाउट, ये 52,531 टोटल व्यूज़ हैं, यानी जो पिछले मुझे 3 माह में मुसलसल मिले हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये व्यूज़ मुसलसल कम हो के 100-200 दिन के आ रहे हैं। तो आइए मैं आपको ना इसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ, वजह क्या है, फिर लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, वो असल वजह है ना, वो है ये आपको जो ना इस ये 14 मैसेजेस शो हो रहे हैं, ये अभी कुछ देर पहले के हैं, कोई इसको साल नहीं हुआ। तो ये व्हाट्सएप इसकी असल वजह है, दूसरा मेरा नंबर देना इसकी असल वजह है। क्यों, मेरा जो भाई है अगर ईमान है, दिल करता है कि हर बंदे से बात करूं, हर बंदे को तफसील से चीज़ें शेयर करूं, उसके साथ जो है ना जो भी उसको मसला है, कोई भी टेंशन है, वो उसके साथ उसके हल करूं। और तीसरी जो चीज़ है वो मेरा ये असूल है कि मैंने किसी के साथ कभी कोई बेईमानी नहीं की। जो बंदा आता है उसके जो भी उसको कुछ चाहिए होता है, कॉइन्स जेम्स की कोई भी चीज़ चाहिए होती है उसको मिल जाती है। तो मेरा यही बुनियादी वजह है ना, भाई किसी के साथ बेईमानी करनी ना, किसी के साथ फ्रॉड करना, ताकि लोगों को ना भाई वो ये चीज़ें मिल जाएं, कोई किसी को जो भी चीज़ चाहिए ना वो हमारे चैनल से मिल जाए, ठीक है। तो असल में ये बात होती है। अब देखें इतने कुछ देर पहले के इतने मैसेज आए होते, हर बंदे से बात करना, फिर उनको तरीके से समझाना, फिर ये नहीं है कि लोग होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं जिनको पता होता है भाई अगले बंदे का टाइम भी होता है, कीमती टाइम होता है, उसको कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो एक नहीं हज़ार मैसेजेस कर रहे होते हैं, और उनका मैं कभी उनको रिप्लाई तक नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि ये इन्होंने टाइम ही वेस्ट करना है। फिर बंदा चलो किसी तरीके से एक टाइम निकाल ले, फिर वो वीडियो बनाए यूट्यूब के लिए, फिर वीडियो बन भी जाए, फिर उसको एडिटिंग करना, फिर उसकी जो समझ लें वो उसका थंबनेल बनाना यूट्यूब के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा कोई आसान काम नहीं है। वीडियो अब बन रही है, आप टाइम देख लें, 8:02 हैं, ये डेट भी आप देख लें, आज 10 अगस्त है। तो इसके जो थंबनेल बनेगा, इसकी वीडियो एडिटिंग होगी, इसको तकरीबन 10-11 से 12 बज जाएंगे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होते होते, तो इतना टाइम लगता है। अब जो बंदे होते हैं उनको पता नहीं क्या इतनी जल्दी होती है कि उनके जो मैसेज होते हैं उनको रिप्लाई करना बंदा करे ना करे, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हो सकता है इस वीडियो बनने के दौरान किसी ना किसी की कॉल भी आ सकती है। तो आपसे आप लोगों से गुजारिश है कि मैसेज उतना किया करें जितना बंदा आपको रिप्लाई कर सके। आपका जो आपको कोई भी काम है, कोई भी टेंशन है, कोई भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है, बाय करनी है, सेल करनी है, जस्ट आप सिर्फ मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, भाई हमारा ये काम है, और आप आराम करके बैठ जाएँ। आपको उस मैसेज का मैं मैसेज भी देखूँगा, मेरे मैसेज देख हर बंदे का देखता हूँ, रिप्लाई भी करूँगा, और आपको अच्छे तरीके से समझा भी सकूँगा। अब आप देखें आपके एक नहीं 10 मैसेज आ गए, मैं 10 मैसेज कैसे देख सकता हूँ, कैसे आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो सबसे अप डाउन हो चुका है।
ये वीडियो अपलोड होगी इस पर कम से कम व्यूज़ आएंगे 100 व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 व्यूज़ आ जाएंगे, इस ऊपर ये व्यूज़ ही नहीं आने। तो अब अगले दिन मेरे एक भाई हैं सुहेल सफदर है उनका नाम है, उनका यूट्यूब का चैनल भी है और वो ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं, और उनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वो चैनल का लिंक भी विज़िट कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई अकमल आपका जो व्हाट्सएप है इतना नीचे कैसे चला गया, क्या हुआ आपके चैनल को? मैंने उसको तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा आपको वीडियो आएगी फिर वो वीडियो आप देख लेना। तो ये इतनी मजबूरीज होती हैं, अगले बंदे का आप कम से कम ख्याल भी रखें, अगले बंदे को जब जब बंदा बड़ा हो जाता है ना उसको काम भी ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी जो होती है ना वो मजबूरियाँ वो भी ज़्यादा बन जाती हैं उसके ऊपर, जो समझ लें उसके का जो काम होते हैं ज़्यादा जिम्मे लग जाते हैं। तो आप अगले बंदे की मजबूरी समझें उसको, आप अगले बंदे का यूट्यूब का चैनल है, पता नहीं कितने बंदे उनसे बात करनी होती है। तो बाकी जो है, अगर किसी ने मुझसे कोई बात करनी, कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ देनी है, कोई भी बात पूछनी करनी है, तो सिर्फ मैसेज करके आप आराम से बैठ जाए। अगर आपने कॉल ज़्यादा मैसेजेस किए या कॉल्स की तो मैंने पकड़ के ब्लॉक कर देना, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भी आपका सबका। उनका सुहेल भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन चैनल को भी विज़िट करना और चैनल उनका सब्सक्राइब भी करना। और ये मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पे शोर है, ये नंबर मेरा कॉल के लिए भी 24 घंटे एक्टिव होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भी आप सबका।